शादी के बाद आप भी कर रहे हैं फैमिली प्लानिंग की तैयारी तो आपके लिए बेहद जरूरी है ये खबर। वैज्ञानिकों के इस ऐलान से दंपतियों में मची खलबली। घर के चिराग का आप भी कर रहे हैं इंतजार तो सामने आई लड़का पैदा होने को लेकर बहुत बड़ी खबर। अब बस बेटियों को ही जन्म देगी महिलाएं। धरती पर अब नहीं पैदा होंगे लड़के, बस कुछ ही सालों में खत्म हो जाएगी पुरुषों की प्रजाति। चारों ओर बस नजर आएंगी महिलाएं ही महिलाएं। एक ऐसे दुनिया की कल्पना करिए जहां सिर्फ महिलाएं ही महिलाएं होंगी, उनकी अपनी बनाई दुनिया जहां उनकी हुकूमत और उनके उसूल होंगे। इस दुनिया में कोई मर्द नहीं होगा, क्या ऐसा हो सकता है? सुनने में तो ये डिस्टोपिया लगता है, लेकिन विज्ञान इस बारे में कुछ और ही इशारा कर रहा है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंस में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है उसके साथ ही इंसानों में वाई क्रोमोसोम का आकार घटता जा रहा है। ऐसी एक स्टडी प्रतिष्ठित साइंस जर्नल नेचर में भी पब्लिश की गई थी। इन स्टडीज के बाद से वाई क्रोमोसोम की उपलब्धि पर चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। असल में इंसानों में कोई पुरुष बनेगा या महिला, इसका निर्धारण क्रोमोसोम्स ही करते हैं। अगर दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं, एक्स एक्स, तो इसका जेंडर फीमेल होगा। अगर क्रोमोसोम्स एक्स और वाई हैं, तो जेंडर मेल होगा। कुल मिलाकर क्रोमोसोम्स ही जेंडर निर्धारण के लिए जिम्मेदार है। इस स्टडी के आधार पर वैज्ञानिक मान रहे हैं कि जिस तरह वाई क्रोमोसोम का आकार घटता जा रहा है, इसे संभावना बन सकती है कि एक दिन ये क्रोमोसोम पूरी तरह विलुप्त हो जाए और इस धरती पर पुरुष पैदा होना बंद हो जाए। फिर पुरुषों की आखिरी पीढ़ी के बाद पूरी मानव जाति का ही विनाश हो जाएगा। स्टडी में दावा किया गया था कि पुरुषों के वाई क्रोमोसोम खत्म होने की यही स्पीड रही तो अगले 46 साल लाख में वाई क्रोमोसोम पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ऐसा हुआ तो पुरुषों का अस्तित्व भी खत्म हो सकता है। ऐसे में हर जगह महिलाओं का ही बोलबाला रहेगा। अब लोगों को लग रहा है कि 46 साल लाख तो बहुत लंबा समय है, लेकिन ये विचारने की जरूरत है कि अभी भी पृथ्वी पर करीब 350 करोड़ साल जीवन बाकी है। इसकी तुलना में 46 लाख साल बेहद कम समय है। आसान भाषा में कहें तो धरती पर जीवन खत्म होने से पहले ही पुरुष खत्म हो सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम की तुलना में हमेशा कमजोर नहीं रहा है। करीब 16.6 करोड़ साल पहले दोनों क्रोमोसोम एक ही साइज के थे और इनमें बराबर संख्या में जीन होते थे। धीरे धीरे वाई क्रोमोसोम में जीन्स की संख्या कम होती गई और इसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। धरती पर जन्मे सभी जीवों में समय के साथ कुछ बदलाव आते रहते हैं। ये बदलाव उस समय की जरूरत के अनुसार आते हैं। इसे इस तरह समझिए जैसे इंसानों की शुरुआती प्रजाति बंदरों जैसी थी, उनके चार पैर और एक पूंछ होती थी। जैसे जैसे समय बीता तो आगे के दो पैर हाथ बन गए। पहले हाथ और पैर के पंजों में सभी उंगलियां बराबर होती थी। समय बीतने के साथ जरूरत के अनुसार जिन उंगलियों का इस्तेमाल कम होता था वे छोटी होती चली गई। ये कुछ ऐसे बदलाव हैं जो हमारे शरीर में नजर आते हैं, जबकि बहुत सारे बदलाव हमारे शरीर के भीतर माइक्रो लेवल पर ही हो रहे होते हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण बदलाव जिन का है, हमारे वाई क्रोमोसोम में मौजूद कई जिन खत्म होते जा रहे हैं, इसमें इसका आकार छोटा होता जा रहा है। आपकी इस स्टडी के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए केवल इतना ही।